2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी, ये दावा किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स में। जी हाँ, आज ये समाचार मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आज हिंदी दिवस हम मना रहे हैं। आपको इस समाचार के लिए खूब सारी बधाइयाँ और बधाइयाँ हिंदी दिवस के लिए। अपनी हिंदी दुनिया में स्वीकार्य होती जा रही है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। आपको मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टैबेको व नेपाल जैसे देशों में बड़ी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ निवास करते हुए मिलेंगे। अमेरिका के करीब 45 विश्वविद्यालय सहित पूरी दुनिया में 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई व सिखाई जाती है। आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारत में देवनागरी लिपि हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद वर्ष 1953 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने की बात की गई और तभी से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी सबसे समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत के बाद हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। भारत में हिंदी भाषा के अस्तित्व का इतिहास काफ़ी पुराना है। इतिहास में जहां तक दृष्टि जाती है वहां हमें हिंदी का अस्तित्व देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में यदि शोध, अनुसंधान एवं आख्यानों की भाषा संस्कृत रही तो सामाजिक जीवन में बोलचाल व व्यवहारिक भाषा हिंदी में ही रही। वर्तमान के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कार्य कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको कुछ और तथ्य मैं बताता हूँ। हिंदी संसार में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। पूरी दुनिया में 50 से अधिक देश हैं जिनमें हिंदी जानने वाले और समझने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। अनेक देशों में उनकी स्वयं की अपनी भाषा है, फिर भी वे हिंदी समझ लेते हैं। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। हमने अभी मध्य प्रदेश की बात की थी, हमने बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश की इन कार्यों की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। इससे पूर्व वर्ष 2016 में एक कार्यक्रम विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में संपन्न हुआ। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप वर्तमान में शासन की विभिन्न योजनाओं का विवरण हिंदी में आ चुका है। अनेक पोर्टल हिंदी में प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी की प्रतिष्ठा यात्रा में गति के लिए समाज को संकल्प के साथ आगे आने की आवश्यकता है। शासन, प्रशासन और अन्य लोग तो इसमें कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन मैं और आप जैसे लोग भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यों में, अपनी दिनचर्या में हिंदी को साथ रखें और जब तक अन्य भाषाओं को उपयोग करने की आवश्यकता समझ ना आए तब तक आपस में वार्तालाप हिंदी में ही जारी रखिए। इससे हमारी हिंदी विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित करेगी और हिंदी विश्व भर में प्रतिष्ठित हो जाएगी। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा।